हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आज का जो क्वेश्चंस रहेगा फ्रेंड्स वो लुसेंट के सामान्य ज्ञान विविध से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा कौन कौन सा देश है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जो सबसे महाद्वीप जो बड़ा है फ्रेंड्स वो कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है फ्रेंड्स, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ आप लोग फोर जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो फोर है फ्रेंड्स वो कह रहा है कि सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो नगर है फ्रेंड्स कौन सा है, तो लंदन है सबसे बड़ा नगर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है फ्रेंड्स ये लंदन है, जो कि लंदन कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, आप लोगों को ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा देश, यानी कि सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो देश है फ्रेंड्स वो कौन सा है, तो रूस है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, रूस क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर सेवन है कि सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा था, तो रूस था। सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्या है, तो वहाँ के क्षेत्रफल जो है उसकी दृष्टि से सबसे छोटा देश माना जाता है वेटिकन सिटी को। क्वेश्चन नंबर एट है फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है फ्रेंड्स, तो चीन है, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। क्वेश्चन नंबर नौ देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग कि सर्वाधिक जो निर्वाचक जनसंख्या वाला देश है, सर्वाधिक निर्वाचित जो कहते हैं फ्रेंड्स वो सबसे कौन सा है, भारत है, हमारे इंडिया है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर जो टेन है फ्रेंड्स कि न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व, तो न्यूनतम जो जनसंख्या वाला घनत्व है वो कौन सा है, तो अंटार्कटिका सबसे क्या है, जनसंख्या वाला घनत्व है। न्यूनतम सबसे जनसंख्या वाला घनत्व कौन है, तो अंटार्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है, सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर, सर्वाधिक आबादी वाला जो नगर है वो कौन सा है फ्रेंड्स, तो टोक्यो सबसे सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। और पूछा जाएगा कि टोक्यो कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये जापान में स्थित है टोक्यो। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे कम आबादी वाला नगर, सबसे कम जो आबादी वाला नगर है वो कौन है, वेटिकन सिटी है सबसे कम आबादी वाला नगर। सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा है, सबसे क्या है, सबसे लंबी सीमा वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि सबसे छोटी सीमा वाला देश, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो ब्राज़ील नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं जिब्राल्टर, क्या है फ्रेंड्स, सबसे छोटी सीमा वाला जो देश है फ्रेंड्स वो कौन सा है, जिब्राल्टर सबसे छोटी सीमा वाला देश है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो चीन है। ये कितने इसके पास देश है फ्रेंड्स, कितने देशों के साथ ये सीमाएं हैं, तो 13 देशों के साथ इनकी सीमाएं हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, कौन सा है फ्रेंड्स, तो अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा, ये कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया में स्थित है। सबसे बड़ा लंबी यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सा है, तो नील नदी है, ये कहाँ पर स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी नदी कौन सा है, वो सबसे लंबी नदी नील नदी था, मिस्र में स्थित है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो अमेजन नदी है, ये कहाँ पर स्थित है अमेजन नदी, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से ये सबसे क्या है, बड़ी नदी मानी जाती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कौन सा, तो 24 देख रहे हैं कि सबसे छोटी नदी कौन सा है, तो डी नदी सबसे छोटी नदी है। ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो अमेरिका यानी संयुक्त अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, सबसे बड़ा जो सागर है वो कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विशाल उपसागर कौन सा है, सबसे विशाल जो उपसागर है वो हटसन उपसागर है, कौन सा हटसन उपसागर है। सबसे छोटी पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है। यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, तो जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सा है और किसके नदी की सहायक है, तो मेडीरा सबसे सहायक नदी है, ये इमेजन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त पारिवारिक नदी कौन सा है, तो राइन नदी है, ये जर्मनी में स्थित है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरसागरीय नदी कौन सा है, तो अंतरसागरीय जो नदी है वो कौन सा है, तो कुरुमबेल धारा सबसे क्या है, अंतरसागरीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा मुहाना कौन सा है, तो ओब नदी का सबसे लंबा मुहाना है। ओब नदी कहाँ पर स्थित है, तो रूस में स्थित है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, तो कील नहर सबसे व्यस्त नहर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर झील जो है वो क्या है, सबसे बड़ी है। कहाँ पर कैस्पियन सागर है स्थित, तो आप लोगों को फ्रेंड्स रूस में स्थित है कैस्पियन सागर, यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ताजे पानी वाला झील कौन सा है, तो सबसे जो ताजे पानी वाला जो झील है सुपीरियर झील है, ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सबसे गहरी झील है, सबसे जो गहरी झील है वो कौन सा है और कहाँ पर स्थित है, तो बैकाल झील सबसे गहरी झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो रूस में स्थित है। कहाँ पर है, तो रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के अंदर झील कौन सा है, झील के अंदर भी झील होता है फ्रेंड्स, तो वो कौन सा झील है कि जो कि झील के अंदर झील होता है, झील है तो मेनू क्या है, मेनिटू जो कि कनाडा में स्थित है। मेनिटू जो है झील, झील के अंदर झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं, नौकायन कहते हैं, नौकायन झील भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं टिटिकाका में स्थित है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, टिटिकाका, ये कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लेगून कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा लेगून है वो कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि लेगोवा डॉन्स पैटोस, ये कहाँ पर स्थित है, तो ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात झरना है साल्टो एंजिल, ये कौन सा नदी पर स्थित है, तो कैरोना नदी और बेंजुआला नदी के पास क्या है, साल्टो एंजिल स्थित है। सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, खून जलप्रपात, ये कहाँ पर खून जलप्रपात स्थित है, तो लाहौस में स्थित है। सबसे बड़ा जल मडरूम मध्य कौन सा है, तो डेविस जल मडरूम मध्य है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे सकरा जल मडरूम कौन सा है, सकरा जल मडरूम कौन सा है, तो यूनान क्या है, यूनान एवं यूबिया महाद्वीप के मध्य स्थित एंजिन सागर है, क्या है, एंजिन सागर सबसे क्या है, सकरा जल मडरूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, तो मेक्सिको का गल्फ क्या है, सबसे बड़ा गल्फ है। सबसे छोटा यानी कि सबसे विशाल जल संधि कौन सा है, तो जो सबसे विशाल जल संधि है फ्रेंड्स वो कौन सा है, टार्टल जल संधि सबसे विशाल जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चौड़ी हो गया फ्रेंड्स, कौन सबसे चौड़ी जल संधि कौन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो सबसे पर्वत शिखर ऊंचा कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय और नेपाल में स्थित है, हिमालय और नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है, तो हिमालय का है, ये कहाँ पर स्थित है, एशिया में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है फ्रेंड्स, तो एंडीज है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और सबसे ऊंची पठार कौन है, पामीर पठार है, जो कि तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंची सबसे नीची पहाड़ कौन सा है, बुकिट टामसन है, क्या है, बुकिट टामसन है और ब्रूनेई में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ मैं विदा लूँगा, और फ्रेंड्स जब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी जो बेल आइकन है फ्रेंड्स उसको आप लोगों को प्रेस कर लेना है, और हमारे चैनल को आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।